घोड़ा खुश रहता है, एकदम खुश रहे, गांव के जय जयकार होता है, एकदम जय जय होगा। वो एगो भोला बाबा बैठल हतन, कुछ आशीर्वाद दियौ ना घोड़ा के, ऊपर ब्रह्म बाबा के घोड़ा, तो आशीर्वाद दियौ जे 10 रुपया कम अथिन तब ना अपने के माथा पर रखता। पूरा आशीर्वाद है इसको, तो इतना आशीर्वाद है, जय जय रहेगा। जाओ जाओ पाटे जाओ। आगे झीली मिली है कर अपन परिचय दियौ। जय हो जय हो। अहाँ खुश हतियै? जाओ पते जाओ। आ ओहे जे देवी जे नने जासी तकरे भेजू त अपने। आगे कहे तो महीनवा देवी मैया माया के बोला था कौन आता घोड़ा के कौन नहीं। तन को माया भी आना हो भाई पर कोई माया ना हम का पास गेली केकरा पास गेलो के पास वो हम देख के डर गेले देख के डर गेले त देख के डर ही जाय से न भेले घोड़ा के जे से हम डर गेले त डर गेले त तू अब दस खड़ा हो गेलो ओ तेरा भेट करे न ल याद रुकी तोरा भेट करे न ल तोरा देख लेल को होइत रूप त डर गेले उ गेलहु र से कोन रहो भाई वो भाइये हो आ तोरा घोड़ा के अचरण लगा देल को तोरा जाही के न जाइया जहाँ मनता हो तहाँ कल्याण करियहू कल्याण करियहू साइड से लेकिन भाई अद्भुत आशीर्वाद बनैले रहियहू कि गार विपत में ओकरो देखियहू देखियहू ई ना उ कलखुन से गलती कलखुन जे न जइयहू भाई तो एहो भाई या ओहो भाई जइयहू लेकिन अइसन एकदम सन्मुख न जइयहू साइड से जाकर सिरहन में रक्षा करियहू सिरहन में हवा के रूप में बैठ कर जा तू जा हो गेलै या हो गेलै या जे चीज से काम रहै से पूछ लेलिए खिलाइए दल खिलाइए न किशन मां जी सब कुछ खर कर के कर ना ना सब कुछ दल 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 खिलाइए ना हमको जो चीज के दरकार था सोचे चीज के काम 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 खत्म के चलिए आइए जी आइए आइए जुरा मुजरा खोलिए जल्दी से ना जुरा मुजरा Oh,
कहाँ से आला? हम आए हैं अपने ससुराल से। गांव के नाम अपना घर कहाँ है आपका? ककरी। घर हमारा ककरी है, हम आए मधुबन से। मधुबनी मधुबन मधुबन हाँ कहाँ है? मुजफ्फरपुर नहीं, हमारे मऊ जिला में पड़ते हैं। मऊ घर है तो आपको घर में तो भगत खुदे है? हाँ है, बाकी वो बोलते हैं कि वहाँ पर तुम रहते हैं इसीलिए तुम इसे परेशान रहोगे। बुआ हो पा रहे हो थोड़ा से खुश? पापा हो खुश है? खुश है तो कैसे कहते हैं कि वहाँ रहेगा तो इसी रहेगा? ससुराल में मत रहे, छोड़ दें, वहाँ पर कोई है नहीं। आपको ससुराल में कोई नहीं है? नहीं। आप वहाँ रह रहे हैं ससुराल में? हाँ। और पिताजी के कैगो बेटा है? तीन भाई हैं। तो और तो वहाँ है ये है तो फिर क्या टेंशन लगल है? ससुराल में जमीन है? हाँ थोड़ा बहुत है। कितना? चार पाँच मंडा। गांव पे? गांव पर डेढ़ बीघा। दोनों जगह क्यों नहीं आते जाते हैं? आते जाते हैं। और वहाँ से हेल्प पिताजी को नहीं देते हैं? देते हैं। फिर क्यों वो परेशान है? वो परेशान है, वो बोलते हैं कि हम रोक वहाँ पर तुम सही नहीं हो पा रहे, यहाँ रहोगे तो तुम सही रहोगे, वहाँ बार बार तुम्हारे पर कार्रवाई हो जा रहा है। तो फिर आप ससुराल की मिट्टी लेके क्यों नहीं आए हम जाके देखते? ये बात तो बोल, ससुराल में रहना सहज बात नहीं है। ससुराल के लोग भी सोचता है जी कब भागे, कब भागे हो। सास ससुर जिंदा है? खाली सास। तो जानता है जी यहाँ के रहेगा तो संपत्ति ले लेगा, तो आप वहाँ से मिट्टी लाते ना थोड़ा उठा के। सास से तो कम से कम सास के तो देखेंगे। ऐसे तुम्हारा पिताजी के चीज सब बढ़िया है, गलती नहीं है उसका ना, मेरे पिताजी के गलत सामान नहीं है। तो क्यों हम जाते हैं तो आप खेलने लगे? ये घर पर खेलती है, वहाँ पर नहीं खेलती है, यहाँ अभी नहीं खेले, घर पर जाएगी तो खेलना खेलने लगता है तो खराब चीज हो गया। पिताजी हो गया ना तो बोल रहे हैं कि भूत खेल रही है। वो तो बोलेगा आज अब ढेरी उठाएगा, जांच प्रकार होगा तब ना पता चलेगा जो भूत है कि दूत है कि राम है कि रहीम है कि देवलोग है, वो तो जब बोलेगा तब ना पता चलेगा। अभी कैसे क्या पिताजी मर जाएगा तो तुम्हारे ऊपर सवाल होगा तो नहीं उसको खोजोगे? खोजेंगे, अभी खोजेंगे। तो फिर क्यों काहे परेशान हो? ऐसा बात नहीं है आज ना कल, अब तो पिताजी से आपको जब रिफ्यूज कर रहे हैं तो चीज करना ही पड़ेगा। एक आदमी को चीज भी अपना रास्ता ढूंढ रहा है धीरे धीरे, तुम करे वो नहीं खेलेगा, मैं कराऊँ खेलेगा, वो चीज खेल जाएगा, बोल देगा। मामा बुलवा दीजिए तो फिर टाइम देना होगा। अभी पत्ती गिरा के मामा देखो। उठाओ तो करता है लेकिन यहाँ तक भयभीत रहे करेगा ना, एक दिन उसको खड़ा तोड़ने में लग जाता है। ऐसे ससुराल से सस्पेंशन दूर कर देता तो वहाँ से थोड़ा मिट्टी लाता ना तो इतना तो देख लेते ना जो वहाँ के परेशान कर रहा है कि इसमें से कर रहा है, इतना अगर तोड़ में आ जाता। ठीक है फिर बुलाइए तुम्हारे के ना खा जा। देखिए ना ध्यान देखा तो बोला भी ना बोला अरे नहीं बोलता आप ध्यान को धर्म
में दीजिए ध्यान दीजिए हाथ खाइए कहीं आइए कौन आदमी है जाइए Thank you.